प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर भाजपा ने शिमला समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाए रक्तदान शिविर। 20 सितंबर तक किया जाएगा कई सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए शिमला में महिला शक्ति केंद्र का किया शुभारंभ। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नौकरी में आरक्षण के मामले पर विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज जमकर हुआ हंगामा। चर्चा की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस का वॉकआउट। प्रदेश में होगा 400 से अधिक नई पंचायतों का गठन। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, जल्द जारी होगी नई अधिसूचना। चंबा मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों के ऑपरेशन शुरू। इस सुविधा से जिले के मरीजों को IGMC व टांडा जाने से मिलेगी निजात। प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा, इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करने को लेकर जल्द बनाई जाएगी रणनीति। दुनिया की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग में लॉकडाउन के बाद फिर से लौटी रौनक, पैराग्लाइडिंग हुई शुरू। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार पड़ी धीमी, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में मौसम के साफ रहने की जताई संभावना।